हेलो गुड इवनिंग एवरीवन. हेलो गुड इवनिंग सर. वापस पूछिए सर, आप कैसे हो? हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर. इसकी जगह ऐसा भी पूछ सकते हो सर, हाउ आर यू डूइंग? हाउ आर यू डूइंग. पूछिए सर, आपका कल का दिन कैसा रहा? हाउ वाज योर डे? हाउ वाज योर डे. सर, आप मूवी देखने गए, मूवी कैसी रही? हाउ वाज योर मूवी? हाउ वाज योर मूवी. इट वाज फैबुलस, इट वाज फैंटास्टिक. शुरुआत करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. शुरुआत करने से पहले जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ ये प्योर स्पोकन का प्रोग्राम है और स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है. छोटी से छोटी चीजें जो हम पढ़ाते हैं उसको आपको बोलना जरूरी है, नहीं बोलोगे तो बोलना नहीं आएगा. चीजों को रूटीन लाइफ में लाने के लिए बोलना बेहद जरूरी है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा बोलिए. जैसा हम अभ्यास करवा रहे हैं वैसा आप भी साथ का साथ अभ्यास करते रहिए. और यही नहीं, मैं रोज कहता हूं कि बहुत सारी समस्याएं वोकैबुलरी को लेकर स्टूडेंट्स को आती हैं. अभी अगर आपको वोकैबुलरी की इस क्लास के बीच में कोई भी समस्या आए, नीचे हेल्पलाइन दे रखी है 9950335575. आप इस नंबर पे बीच में ही कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो. और यही नहीं, आज की सबसे तीव्र गति से फैलने वाली सुविधा व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो. बीच में पूछते रहिए और अभ्यास करते रहिए, चीजें लिखते रहिए. यही नहीं, आप कभी भी पूछ सकते हैं सवाल दिन में, जब भी आपको मौका मिले. रास्ते चलते चलते कोई चीज दिख रही है कि सर खजूर दिखी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? गोबर पड़ा हुआ, इसको इंग्लिश में क्या? जो चीज आपको दिख रही है हर चीज को आप देखिए, नहीं आता है तो व्हाट्सएप करके इस नंबर पर आप सवाल पूछ सकते हैं और हमारे साथ बोलिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए. यस, हम शुरुआत करते, बोलो लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. लेट्स बिगिन. लेट्स बिगिन. कहते हैं कि सर गड़े मुर्दे मत उखाड़िए. कहावत से शुरुआत करते हैं, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई. बोलिए, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई. बहुत अच्छी कहावत है. बोलिए, लेट द स्लीपिंग डॉग लाई. लेट द स्लीपिंग डॉग लाई. रहस्य को रहस्य ही रहने दीजिए, उसको उजागर मत कीजिए. बहुत अच्छी कहावत है, सेकंड नंबर पे लिखी हुई, देखकर बोलिए. डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. क्लियर आवाज में बोलो. देखो आप अभी ठीक से बोल ही नहीं पा रहे. बोलिए, डोंट लेट द कैट. डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. आउट ऑफ द बैग. ज्यादा हाइपर मत होइए. डोंट बी हाइपर. डोंट बी हाइपर. बी काम. बी काम. बी कॉम नहीं, बी काम. बी काम. थोड़ा शांत रहिए, बोलो बी काम. बी काम. चलो अब शुरुआत करते, लेट्स स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. कल हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे पास्ट हैबिट्स के बारे में. हम लोगों ने अभ्यास किया, आप लोगों ने सेंटेंसेस बना के लाए. कई सारे सवाल आए थे कल, कई सारे प्रश्न पूछे थे उन्हें बचपन में. आपको कई सारे गेम्स और पूछ सकते हो जो बचपन में आप खेला करते थे. कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे गेम्स पूछे थे कि सर इस गेम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पकड़म पकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं. उनको व्हाट्सएप पे जवाब भी मिला था. अभी कल वाले टॉपिक के 2-3 सेंटेंसेस वापस प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. राइट सर, बचपन में क्या आप लुका छुपी खेलते थे क्या? पूछिए. डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक? डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक? जी बिल्कुल खेलता था. आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक. आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक. लेकिन अब नहीं. बट नो लॉन्गर नाउ. बट नो लॉन्गर नाउ. जी गए वो दिन. गोन आर द डेज. गोन आर द डेज. गोन आर द डेज. ये टॉपिक हमने कल पढ़ा था, बहुत सारे लोगों के सवाल आए इस पे, हमने जवाब दिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. कई सारी चीजें हम लोगों ने और भी डिस्कस की थी. मॉडल्स कैपेसिटी के तौर पे यूज कर रहे थे हम लोग. कैन, याद है आपको? यस सर. क्या तुम लड़ाई कर सकते हो? कैन यू फाइट? कैन यू फाइट. क्या तुम जलते हुए अंगारे के ऊपर चल सकते हो क्या? कैन यू वॉक ऑन सिंडर? कैन यू वॉक ऑन सिंडर. जलते हुए अंगारे को इंग्लिश में बोलते हैं सिंडर. क्या? सिंडर. अब एक ही आवाज में पूछिए, क्या तुम जलते हुए अंगारे के ऊपर चल सकते हो? कैन यू वॉक ऑन सिंडर? कैन यू वॉक ऑन सिंडर. हम ये डिस्कस कर रहे थे पहले कि एबिलिटी एंड कैपेसिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कैन. कैन. यही नहीं, उसके अलावा भी कुछ और ऐसे हैं जहां पे हमको, जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूं क्या तुम अंगारे के ऊपर चल सकते हो क्या, और दूसरा मैं इनसे पूछ रहा हूं क्या तुम में अंगारे के ऊपर चलने की हिम्मत है क्या. हिम्मत के लिए या साहस के लिए हम लोग यूज करते हैं डेयर. क्या? डेयर. क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम में साहस है? यूज करिए डू यू डेयर. क्या? डू यू डेयर. फिर टू इंफिनिटिव पढ़ा था कि डेयर एक वर्ब है, उसके साथ अगर दूसरी वर्ब जोड़नी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? टू इंफिनिटिव. पूछिए, क्या तुम में हिम्मत है? डू यू डेयर टू? डू यू डेयर टू वॉक ऑन सिंडर? वॉक ऑन सिंडर. अंगारे के ऊपर चलने की हिम्मत है क्या? एक ही आवाज में, डू यू डेयर टू वॉक ऑन सिंडर? डू यू डेयर टू वॉक ऑन सिंडर. ऊपर स्ट्रक्चर लिखा हुआ, डू यू डेयर टू एक्शन कीजिएगा आप जो एक्शन में बोल रहा हूँ. बताइए, एक और एक्शन यूज करते हैं. सेकंड नंबर पे वोकैब लिखी हुई देखकर बोलिए. घरेलू हिंसा को बोलते हैं डोमेस्टिक वायलेंस. क्या? डोमेस्टिक वायलेंस. हिंसा जो होती है उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? वायलेंस. वायलेंस. अब घरेलू हिंसा को रोकना है, पहले वर्ड बोलिए स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. फिर से बोलिए स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. अगर मुझे इनसे पूछना है कि आपके अंदर हिम्मत है क्या घरेलू हिंसा रोकने की, पूछिए डू यू डेयर टू? डू यू डेयर टू. एक्शन क्या है? स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. पूरा वाक्य पूछिए, डू यू डेयर टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस? डू यू डेयर टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. अगर इनमें हिम्मत है तो ये बोल देंगे जी सर,
मुझ में हिम्मत है घरेलू हिंसा रोकने की. बोलो आई डेयर टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. आई डेयर टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. अगर इनमें हिम्मत नहीं तो मना कर देंगे, सर मुझ में हिम्मत नहीं, मुझ में साहस नहीं है. आई डोंट डेयर टू स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस. तो ऐसे आप भी घर पे जाके हिम्मत पूछिए. यहीं पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि डेयर दो तरीके से काम में आता है. एक तो हमने जो अभी यूज किया वर्ब, कि डेयर की तीन फॉर्म होती है. जैसे इससे पहले नीड पढ़ा था हमने, नीड नीडेड नीडेड, उसी तरह से डेयर दो तरीके से काम में आता है. एक तो एज ए वर्ब और दूसरा एज ए मॉडल. वर्ब की तीन फॉर्म होती है, डेयर डेयर्ड डेयर्ड जो हम अभी यूज कर रहे थे, और दूसरा यूज है मॉडल. जैसे कैन मॉडल है उसी तरह से डेयर भी एक मॉडल है. जैसे वही सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्या तुम मुझसे लड़ाई कर सकते हो? कैन यू फाइट? लड़ाई कर सकते हो क्या? कैन यू फाइट? कैन यू फाइट. अगर मुझे ऐसे पूछना क्या तुम में हिम्मत है या क्या, या फिर साहस है क्या लड़ाई करने का, तो कैन की जगह आप यूज करिए डेयर और पूरा वाक्य पूछिए, डेयर यू फाइट? डेयर यू फाइट. फिर से पूछिए, डेयर यू फाइट. अगर इनमें हिम्मत है तो बोल देंगे, यस सर आई डेयर फाइट. आई डेयर फाइट. और इसमें इनमें हिम्मत नहीं, डेयर के साथ, जैसे कैन के साथ नोट लगने से बनता है कांट, उसी तरह से डेयर के साथ नोट लगने से बनता है डेरंट. क्या पूछिए? डेयर यू फाइट? डेयर यू फाइट. मैं कह रहा हूं मुझ में हिम्मत नहीं सर लड़ाई करने की. आई डेयर नॉट की जगह बोलिए आई डेरंट फाइट. आई डेरंट फाइट. और भी लिखे हुए कई सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. क्या आप में आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई. पूछिए, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस. किसके खिलाफ? अगेंस्ट. अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड. फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब कन्या भ्रूण हत्या. कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? पूरा वाक्य बोलिए, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस? रेज योर वॉइस अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड. अगेंस्ट फीमेल इन्फेंटिसाइड. उसके अलावा और वर्ब्स लिखे हुए, कुछ अच्छे वर्ड्स लिखे हुए. मोनार्की. क्या? मोनार्की. जो एकल राज्य होता था पहले राजा रानी का, उसके खिलाफ आज आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? पूछिए, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट मोनार्की? अगेंस्ट मोनार्की. सर आप में जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. बोलो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. जाति भेदभाव होता ना, आज भी गांव में जाओ ये नीची जाति का ये ऊंची जाति का चलता है, इसको बोलते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. क्या? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. सर आप में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? पूछिए, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस? डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट नंबर पे लिखा हुआ जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लिंग भेद. लड़की ये काम नहीं कर सकती, लड़का वो काम नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं जेंडर इनइक्वालिटी. क्या? जेंडर इनइक्वालिटी. फिर लिखा हुआ डॉरी सिस्टम. आप देखिए डॉरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा. एनार्की. एनार्की मतलब अराजकता. अक्सर आप मीडिया में सुनते हो अराजकता के खिलाफ आवाज उठाना. अच्छे अच्छे वर्ड्स लिखे हुए. टेररिज्म. डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही. डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत है क्या? पूछिए, डू यू डेयर टू रेज योर वॉइस अगेंस्ट डिक्टेटरशिप? अगेंस्ट डिक्टेटरशिप. यहाँ पे हम डेयर को एज ए वर्ब काम में ले रहे हैं, एज एन एक्शन काम में ले रहे हैं. दूसरा यूज अभी अभी हमने पढ़ा क्या, डेयर एज ए मॉडल. मॉडल अगर यूज करेंगे तो डेयर शुरू में आएगा, जैसे कैन यूज करते थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि चाइल्ड लेबर बाल मजदूरी को प्रतिबंधित करना. वर्ड बोलिए बैन चाइल्ड लेबर. क्या? बैन चाइल्ड लेबर. बैन बी ए एन बैन लिखा हुआ उधर थर्ड लाइन में देखिए आप सेकंड लाइन में. बैन मतलब प्रतिबंध लगाना किसी भी चीज के ऊपर. और कुछ लोग इसको बैंड नहीं बोलते हैं, बैंड लग गया, बैंड नहीं लगा है, बैन हुआ है वो. बैन चाइल्ड लेबर मतलब बाल मजदूरी को के ऊपर प्रतिबंध लगाना. सर आप में हिम्मत है क्या? डेयर को एज ए मॉडल यूज करिए, डेयर यू, और एक्शन की जगह यूज करिए बैन चाइल्ड लेबर. पूछिए, जी नहीं, आपको डेयर एज ए मॉडल यूज करना है. इधर लिखा हुआ सबसे एंड में देखिए, डेयर यू बैन चाइल्ड लेबर? डेयर यू बैन चाइल्ड लेबर. फिर से बोलिए, डेयर यू बैन चाइल्ड लेबर. मुझमें हिम्मत नहीं है, आई डेरंट. बोलिए, आई डेरंट बैन चाइल्ड लेबर. आई डेरंट बैन चाइल्ड लेबर. कानून के खिलाफ जाना. वर्ड बोलिए गो अगेंस्ट लॉ. गो अगेंस्ट लॉ. डेयर को एज ए मॉडल यूज करो और मुझे पूछिए सर क्या आप में हिम्मत या साहस है क्या कानून के खिलाफ जाने का. Dare you go against law? एक आवाज में, dare you go against law? Dare you go against law? कतई नहीं, बिल्कुल मेरे में साहस ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है कानून के खिलाफ जाने का. आई डेरेंट गो अगेंस्ट लॉ. आई डेरेंट गो अगेंस्ट लॉ. आप भी डेयर कोई बहुत बड़ा ग्रामर का टॉपिक नहीं, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ. दो इसके यूजेस बताया, एक तो एज ए वर्ब और दूसरा एज ए मॉडल. इसके अलावा डेयर के ऊपर कई सारे सेंटेंसेस ऐसे बने हुए जो रूटीन लाइफ में काम में आता है. फिल्म्स के अंदर अक्सर आप सुनते हो
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you? बोलो. How dare you? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? How dare you come here? How dare you come here? गाली देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? How dare you abuse me? How dare you abuse me? फिल्म्स में कितनी बार काम में आता डेयर, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस भी आप यूज कर सकते हैं. हिम्मत भी मत करना, डोंट यू डेयर. क्या? डोंट यू डेयर कितनी बार आता सीरियल्स के अंदर. Don't you dare. Don't you dare. ये अपने आप में बना बनाया स्ट्रक्चर है, आप डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हो. ऐसे कई सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं रियल लाइफ में, आप भी यूज करिए. डेयर पढ़ाने का मेरा रीजन यही था. और भी यूज करते हैं चुनौती देने के लिए, ललकारने के लिए किसी को. मैं तुम्हें ललकारता हूं, चलो लड़ाई करके दिखाओ. आई डेयर यू, बोलिए. आई डेयर यू. मैं तुम्हें ललकारता हूँ, ये काम करके दिखाओ, स्टेज पे जाके दिखाओ, ये काम करके दिखाओ. आई डेयर यू टू फाइट. आई डेयर यू टू फाइट. मैं तुम्हें ललकारता हूँ कि आप स्टेज पे आके दिखाओ. आई डेयर यू टू कम ऑन द स्टेज. आई डेयर यू टू कम ऑन द स्टेज. ललकारने के लिए भी हम लोग डेयर का प्रयोग करते हैं. पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं. कैसे? सर मैं तो लड़ाई नहीं करना चाहता था, उसने मुझे ललकारा था. सर ही डेयर्ड मी. क्या? ही डेयर्ड मी. पूरा सेंटेंस बोलो. ही डेयर्ड मी टू फाइट. ही डेयर्ड टू मी फाइट. तो ये डेयर के कई सारे यूजेस है, आप इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाएगा. अब आपके लिए खुशखबरी कि बहुत जल्दी हम लोग एक प्रेजेंटेशन प्लान कर रहे हैं, एक या दो दिन के बाद आपको यहाँ पे स्टेज के सामने, स्टेज के ऊपर आकर और कैमरे के सामने खुद का इंट्रोडक्शन देना है. तो आप अपना इंट्रोडक्शन अभी से तैयारी करना शुरू करिए. और जो लोग प्रोग्राम घर पे देख रहे हैं, आज का टॉपिक डेयर पड़ा है, इसको तो आपको लिखना है, सेंटेंसेस बनाने हैं और घर में सेंटेंसेस यूज करने हैं जो रूटीन लाइफ में काम में आते हैं. इसके अलावा बहुत जल्दी हम लोग प्रेजेंटेशन प्लान कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन. जो भी टीवी पर आकर अपना प्रेजेंटेशन देना चाहें, हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कुछ लोगों को और कैमरे के सामने एक मिनट का अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन जो भी देना चाहता है आप फोन कर सकते हैं हमें, और फोन करके आप अपना अपॉइंटमेंट और अपना नाम लिखवा सकते हैं. जो भी इंटरेस्टेड लोग हो, हर बार आते हैं स्टेज पे, यहाँ पे कैमरे के सामने शूट करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन टीवी के ऊपर टेलीकास्ट किया जाएगा. यही नहीं, इस क्लास को अगर आपको वापस देखना है, फिर से अगर देखना चाहते हैं इस क्लास को, क्योंकि अक्सर शिकायतें आती है कि सर हम लिख नहीं पाते हैं और पीछे क्लियरली दिखता नहीं है, जेपीजी फाइलें कभी कभी नहीं दिखती हैं, आप हमारे द्वारा जो बनाया गया यूट्यूब चैनल है, और आसानी से आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए मुकेश जनवा टाइटेनियम, सर्च करोगे तो भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, गलती मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. इससे सब्सक्राइब करने से आने वाले चैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, आने वाले वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे उसके बारे में आपको हमेशा के लिए इंफॉर्मेशन सूचना मिलती रहेगी. और आप पुराने वीडियोस अगर बाय द वे नहीं देखे हैं, किसी ने आज से इस प्रोग्राम को देखना शुरू किया हो, पुराने वीडियोस भी आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं. एंड यही नहीं, हमारी जो बनाई हुई वेबसाइट है www.titaniumedu.com, वहां पर जाके आप सर्च कर सकते हैं ये सारे वीडियोस और भी कई सारे कंटेंट वहां पे अपलोड कर रखे हैं. और इन सब के लिंक हम अक्सर अपलोड करते रहते हैं, पोस्ट करते रहते हैं फेसबुक की टाइमलाइन पर. आप अपने सर्च इंजन में जाइए और सर्च कीजिए टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे द्वारा बनाए गए पेज को एक बार लाइक कीजिए. लाइक एक बार आपने किया, इट मींस हमेशा आप हमसे जुड़ गए हो. और जो भी आपको पूछना हो, नई नई चीजें जो हम लॉन्च कर रहे हैं, आपको उसका फायदा उठाना हो, आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी. और यही नहीं, सबसे बड़ी सुविधा नीचे दे रखी हेल्पलाइन, इसको आप नोट करिए 9950335575. कोई भी सवाल हो, कोई भी प्रश्न हो, अभी पूछिए आप मैसेज करके, कॉल करके. और आज की सबसे बड़ी सुविधा व्हाट्सएप, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं. आज के लिए काफी है, आप बोलिए सर इट्स इनफ फॉर टुडे. इट्स इनफ फॉर टुडे. जाते जाते क्या बोलना सर? आपसे मुलाकात करके या बात करके अच्छा लगा? इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू. इट वॉज नाइस टॉकिंग विद यू. आपसे बात करके अच्छा लगा या फिर आपसे मिलके अच्छा लगा? बोलो इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू. इट वॉज नाइस मीटिंग विद यू. आप लोगों से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन जब भी मुलाकात होगी जरूर कहूंगा इट वॉज रियली नाइस टीचिंग टू यू. एंड फिर बता देना चाहता हूं मैं कि हम बहुत जल्दी आपको स्टेज पर आने का मौका देने वाले हैं. तो आप में से जो भी स्टेज पर आना चाहें, जो भी मंच शेयर करना चाहें, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब चीजें बाहर निकलेगी. अभी डर भरा हुआ अंदर और वो हेजिटेशन कई बार अच्छे अच्छे नॉलेजेबल लोगों का नॉलेज बाहर नहीं आने देती है. जमाना प्रेजेंटेशन का है और जितना प्रेजेंटेशन आपका सुधरेगा, जितना प्रेजेंटेशन आपका इंप्रूव होगा, उतना ही आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में जरूर बदलाव आएगा. इसलिए तैयार रहेगा अपना इंट्रोडक्शन, सिर्फ एक मिनट का आपका इंट्रोडक्शन, आप क्या करते हो वो, और आपका फैमिली बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशंस, आपका शॉर्ट टर्म गोल, आपका लॉन्ग टर्म गोल, एंड हु इज योर आइडियल पर्सन. ऐसे करके आप अपना इंट्रोडक्शन प्लान करें. और अगर दिक्कत आ रही है तो आप फोन करके पूछें. अच्छा प्रेजेंटेशन देने के बाद एक डेमो दीजिए, हम आपको यहाँ पे स्टेज पे मौका देंगे अपना इंट्रोडक्शन देने का. और हाँ,
दिक्कत आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर लिखना मत भूलिएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, मिस कर जाओगे आप। आज के लिए इतना ही काफी, एक बार और बोलिए नाइस टॉकिंग टू यू, नाइस टॉकिंग टू यू आप सभी। इट वॉज रियली नाइस टीचिंग टू यू एवरीवंस, थैंक यू सो मच। आपके मैसेजेस लगातार हमारे पास आते जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और जो ज्यादा सवाल पूछेगा उनको हमारी तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। पहले ही बता चुका हूं, आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए, घर पे अभ्यास करिए, माहौल बनाइए, सबको सिखाइए, सबको प्रेरित कीजिए और सवाल कोई भी अटक जाओ सवाल पूछिए। इट्स इनफ फॉर टुडे, कल मिलते हैं इसी प्रोग्राम में।